Welcome to the today's session on optical instruments. This part is included in Unit 3 of CSVTU syllabus for diploma students. So let's start right away. Optical instruments which have been included according to the syllabus are simple microscope, compound microscope, and spectrometer. All these three optical instruments you have to study and you have to calculate a relation for their magnifying powers. So in the today's session we will focus on simple microscope. Part 2 of the presentation will focus on compound microscope and part 3 on spectrometer. Before starting simple microscope, let us have a look at the sign conventions. The refraction from spherical refracting surfaces are mainly discussed using new Cartesian sign equations. Now, what are these sign equations? All the distances are measured from the pole of the spherical refracting surface. Pole yani ki center. Us lens ke center se sari duriyan मेजर होंगी, मापी जाएंगी. सेकेंड वन, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव. जितनी दूरियां हम आपतित किरण की दिशा में मापेंगे वो सारी हमारी धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जो दूरियां हम इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में मापेंगे वो सारी ऋणात्मक ली जाएंगी. तो ये दो साइन कन्वेंशन हम मान के चलेंगे. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेस. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जब हम हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो हमें एक आइडिया हो कि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है एक कॉन्वेक्स लेंस में. सबसे पहला जो केस लिया गया है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी. सो दिस फिगर इज शोइंग द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑल दिस रेज विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट विच इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. दैट इज वाई अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. सेकेंड केस, एज यू कैन सी, दिस इज द लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, दिस इज फर्स्ट फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र. सिमिलरली ऑन द अदर साइड, सेकेंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C. Beyond 2F means beyond center of curvature. Radius of curvature is twice of the focal length. So we have written here object beyond twice of focal length. So if the object is placed beyond C, agar vastu vakrata kendra se dusri taraf rakha hua hai, to jo pratibim banega, ye sidhi vastu hai, iska pratibim kaisa banega? Inverted. उल्टा प्रतिबिंब बनेगा. और कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. द इमेज विल बी लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2F, 2F मींस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज विल बी इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी सेम साइज की प्रतिबिंब बनेगी. और कहाँ बनेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एज यू कैन सी द इमेज इज एनलार्ज्ड बट इट इज इन्वर्टेड. सो हाईली मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज is obtained beyond C. Fifth case,
When the object is located at the focus, जब वस्तु focus पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे. The image will be formed at infinity. Case 6. When the distance is less than the focal length of convex lens. That means, हमने वस्तु को कहाँ रखा है? Object को between the optical center of the lens and focus. And see, the size of the object is so small and its image is formed on the same side of the lens. जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है. अभी तक जितने केस हमने देखे थे सबने प्रतिबिंब जो है वो दूसरी तरफ बन रहा था, पर इस पर्टिकुलर केस में जिसमें वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, यहाँ एक हाईली एनलार्ज्ड इमेज. और कैसा इमेज है ये? इरेक्ट है, सीधा है. जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, इरेक्ट है, हाईली मैग्निफाइड है और कैसा है? वर्चुअल है. दैट मीन्स इट इज आभासी. ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है. तो यही जो केस है 6, ये हम मान के चलेंगे हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का सिद्धांत या प्रिंसिपल. तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप इस 6वें केस पे निर्भर करता है और इसी को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा आज का. सो एज वी हैव सीन जस्ट नाउ, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. ये एक उत्तल लेंस है और बहुत ही छोटी फोकस दूरी का लेंस है. सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, जो किस काम आता है? किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में काम आता है. इट इज यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग लेंस. यही सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा मैग्नीफाइंग लेंस भी कहलाता है. प्रिंसिपल अभी हमने देखा था, जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. किसके ऑप्टिकल सेंटर? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है ए बी. अब इस वस्तु का एक वर्चुअल यानी कि आभासी, इरेक्ट यानी कि सीधा और मैग्निफाइड मतलब वस्तु से काफी बड़ा एक प्रतिबिंब इमेज बनता है. कहाँ? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड अ हाईली मैग्निफाइड इमेज इज formed. Here, as you can see, some distances have been marked u. It is actually the distance of the object from the center of the optical center of the lens. ये वस्तु की दूरी है लेंस के केंद्र से, सेंटर से. fe is the focal length of the simple microscope or the focal length of the lens which we are using as simple microscope. D जो है ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, इसी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं. D is also called least distance of distinct vision and for a normal eye this distance D is equal to 25 centimeters. Now we will calculate the formula for or we will derive the formula for magnifying power of a simple microscope. एक simple microscope सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए हम एक सूत्र निकालेंगे. As you can see, magnifying power M is defined as the ratio of two angles. Now, close look at these two angles will give you the exact definition. First angle is
beta. This beta is marked here. Now, what is this angle beta? This angle beta is the angle subtended by the final image, which is A dash, B dash at the eye. Beta is angle subtended by final image at the eye upon alpha. Alpha is the angle, this angle subtended by object when seen directly with the eye. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम वस्तु को बिना लेंस की या बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वस्तु हमारी क्लियरली कब दिखाई देगी? जब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखी होगी. तो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई. किस स्थिति में? व्हेन इट इज सीन डायरेक्टली. डायरेक्टली मींस without a magnifying glass or without microscope. So again we go back to the definition of magnifying power. Magnifying power can be defined as the ratio of angle subtended by final image at the eye to the ratio to the angle subtended by object when seen directly, and both lie at least distance of distinct vision. So it is the ratio. ये अनुपात है किस किस का? कोणों का, दो कोणों का. कौन कौन से कोण? एक कोण अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो बनाया जाएगा आंख पर, और एक वस्तु द्वारा बनाया जाएगा जब वस्तु को हम सीधा देखें बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, और जबकि ये दोनों वस्तु और प्रतिबिंब कितनी दूरी पे हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे. इसी मैग्नीफाइंग पावर M को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. अगर ये दोनों एंगल हमारे छोटे हो जाएं, इफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, देन वी कैन replace beta and alpha with their tangents. So we have replaced beta with tan of beta and alpha with tan of alpha. In which case? When these two angles are very small. Now refer to the figure. Tan alpha from this triangle C A dash Q, from the triangle, this is the shaded triangle, from the triangle C A dash Q, as I have written here, tan alpha is what? Perpendicular by base. So perpendicular is A dash Q upon base is C A dash. Why I have written here C A dash? Because all the distances are measured from the center of the lens. So always note, write the distances from the center, not A dash C. The distance should be written as C A dash. Similarly, tan beta. Tan beta can be defined from the triangle C A B. This triangle CAB includes angle beta. So what will be the value of tan beta? Perpendicular AB upon CA base. Perpendicular AB upon base CA. Now substitute these two values of tan alpha and beta in the formula for magnifying power. Substituting, we obtain CA dash upon CA. Now from the sign convention, when we apply sign convention, the distance CA, this is the object distance, and it will be taken as minus u. Why minus u? Because it is against the direction of
incident light. Light is traveling from A to C and the distance is measured from C to A. So the distance CA will be equal to minus of U. Similarly, CA dash, ये जो दूरी है ये भी हमारी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है. आपतित किरण इस दिशा में है A से C की तरफ और जो हमारी दूरी है CA dash, this distance CA dash is against the incident light. So according to sign convention, it will also be treated as negative minus D. Substituting these two values, we get M equals to D by U. Now, we can also express this relation for magnifying power in terms of focal length of this convex lens. इसी magnifying power को, आवर्धन क्षमता को हम इस lens के focus दूरी के रूप में भी लिख सकते हैं. कैसे? हमारे पास lens formula है, minus 1 by u plus 1 by v equals to 1 upon fe. जहां u वस्तु की दूरी है, distance of object from the lens, v प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से, distance of image from the lens, और fe जो है वो हमारे लेंस का focal length है, focus दूरी है. इस formula में हम sign convention के according ये value substitute कर देते हैं, u equals to minus u, और जो प्रतिबिंब है वो हमारा किस दूरी पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, that is least distance of distinct vision d पे, of course with a sign minus. So substituting these two values in our equation, we get M equals to 1 plus D by FE. This is the final relation for magnifying power in terms of focal length of the convex lens. And this formula is in terms of least distance of distinct vision. So today we have studied about the magnifying power or how to calculate or how to derive the relation for magnifying power of a simple microscope. Now you can practice some numerical questions based on these formulas, either this formula or this formula, and we will discuss compound microscope in the next class. Now, the applications of this magnifying glass or simple microscope. It is mainly used by the jewelers in jewelry shops, and it is also used by watchmakers to fit small components of the watches. The jewelers, they generally use it to do fine jewelry work. It is used in science laboratories as a magnifying glass to see the slides and to read the vernier scales which are attached to different instruments. That's all for today. Till we meet in the next session on compound microscope. Thank you.